हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हूँ फिर से एक बार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं संविधान से संबंधित परीक्षोपयोगी सामग्रियों को लेकर उपस्थित होऊंगा और होता ही रहूँगा। एक टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आपके पास एक महत्वपूर्ण कैपिटल हो गया, इसका उपयोग आप हर प्रतियोगिता परीक्षा में करें। और जैसे कि मैंने बताया कि संविधान से संबंधित तीन चार महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा विच एपिसोड। अब जैसे मैं आगे प्रेसिडेंट बताऊंगा, पूरा वीडियो तीन चार सेट में बना कर दे दूंगा। संसद के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, जैसे कि मैंने आपको वादा किया है, और विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। लेकिन आज मेरी इच्छा हुई कि थोड़ी सी रुचि परिवर्तन किया जाए, इंटरेस्ट चेंज किया जाए, क्योंकि एक ही जैसा काम करते करते निराशता मोनोटोनी हो जाती है। तो मैं आज आपको संविधान, अब अगले एपिसोड में मैं आपको पक्ष के सामने लेकर आऊँगा राष्ट्रपति चैप्टर। मैं आज आपको इकोनॉमी से रिलेटेड एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और तकनीकी पक्ष को स्पष्ट करता हूँ कम समय में। यह है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित दो शब्द है, जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जिसमें सबसे पहले मैं आपको जीडीपी बताता हूँ, फिर जीएनपी बताऊंगा। अब जीडीपी का पूरा नाम होता है बच्चे लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इसकी परिभाषा होती है कि किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा आप जैसे ही सुनते हैं, इस कॉन्सेप्ट निकल जाता है, दिमाग में नहीं अटकता है, इसको समझना पड़ेगा। और दो मिनट में ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। जैसे किसी एक देश की भौगोलिक सीमा घरेलू शब्द का प्रयोग है तो वो डोमेस्टिक प्रेमाइस को बताता है। तो किसी एक देश की भौगोलिक सीमा, यह देश हमारा भारत, के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा, तो मान लिया जाए कि हमारे भारत देश के अंदर 100 व्यक्ति रह रहे हैं, 100 व्यक्ति रह रहे हैं सभी लोगों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं। तो ध्यान रखें कि किसी भी देश का नागरिक जो आय प्राप्त करता है उसके दो ही माध्यम होते हैं, या तो उत्पादन के द्वारा आय प्राप्त किया जा सकता है या नहीं तो सेवा के द्वारा। तो मान लीजिए कि हमारे देश में 100 व्यक्ति रह रहे हैं, इस 100 में 50 व्यक्ति उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसर है, इनमें से 20 व्यक्ति मान लीजिए कि किसान है, 20 व्यक्ति मान लीजिए कि आपको लेबर है, श्रमिक है, 10 व्यक्ति मान लीजिए कि इंजीनियर है, अभियंता है। तो 20 व्यक्ति जो फार्मर है, इन्होंने एक वित्तीय वर्ष, इसकी गणना हमेशा वन फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है, तो मान लिया जाए हम लोग 2023 और 24 के लिए गणना कर रहे हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, तो किसान द्वारा मान लिया जाए कि 500 किलोग्राम अनाज का उत्पादन किया गया। ये जो लेबरर्स हैं 20, इन्होंने मान लीजिए कि एक वित्तीय वर्ष में 500 मीटर कपड़ा बनाया। ये जो 10 इंजीनियर्स हैं, मान लीजिए कि इन्होंने एक वित्तीय वर्ष में 10 गो मशीनरी बनाया। और रेस्ट जो 50 व्यक्ति हैं, ये सेवी वर्ग हैं, सर्विस होल्डर हैं, सेवा करते हैं, तो मान लिया जाए इसमें से 20 व्यक्ति डॉक्टर हैं, और इन्होंने एक वित्तीय वर्ष में 2023-24 में मरीज को 100 घंटा सेवा दिया, 100 घंटा सेवा दिया। इनमें से मान लिया जाए 20 व्यक्ति टीचर हैं, और इन्होंने इस वित्तीय वर्ष में बच्चों को 100 घंटा पढ़ाया। अब मान लीजिए इसमें से 10 व्यक्ति जो हैं ये ऑफिसर हैं या क्लर्क हैं, और सरकार के अधीन इन्होंने 100 घंटा सेवा दिया।
इनकी जो आर्थिक आय होगी या वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवा के आधार पर, क्योंकि आर्थिक आय का प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, या तो वस्तु का उत्पादन और नहीं तो सेवा। तो मान लीजिए कि किसान ने 20 किसान ने जो 500 किलोग्राम अनाज का उत्पादन किया, इसके बदले इनको मिला 5,000 रुपया। लेबरर्स ने जो 500 मीटर कपड़ा बनाया, इसके बदले इनको भी मिला 5,000 रुपया। इंजीनियर्स ने जो 10 मशीनरी बनाया, इसके बदले इनको मिला 10,000 रुपया। डॉक्टर ने जो 100 घंटा मरीज को सेवा दिया, इसके बदले इन्हें मिला 10,000 रुपया। टीचर ने जो बच्चों को 1 घंटा सेवा दिया, इसके बदले इनको भी मिला मान लीजिए 10,000 रुपया। और ये ऑफिसर्स ने जो 100 घंटा सरकार का दिन सेवा दिया, इसके बदले इनको भी मिला 10,000 रुपया। तो 5, 5, 10, 20, 30, 40, 50। तो अब देखिए इसका जो टोटल है, टोटल ग्रॉस टोटल है 50,000, और यही है GDP। अब आप मेरी तरफ रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य के कुल योग को, टोटल को, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इट इज कॉल्ड GDP। आप व्यवहार में कहिए कि सर तकनीकी शब्द, या जैसे इसमें एक तकनीकी शब्द और है जो अभी डील हम नहीं कर पा रहे हैं, आगे बताएंगे जब इकोनॉमिक्स का भी एपिसोड शुरू करेंगे तो बताएंगे। यहाँ एक चीज कह रहे हैं बार बार, अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु का एक विशेष अर्थ होता है, परिभाषा पर फिर से ध्यान दीजिए। किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं कहेगा तो गलत हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अभी अंतिम वस्तु का क्या अर्थ है ये आगे बताएंगे, और अभी हम आपको GDP, अब इसको व्यवहार में बोलिए कि सर एक देश की भौगोलिक सीमा में जितने लोग होते हैं एक वित्तीय वर्ष में जितना भी आय प्राप्त करते हैं, चाहे उत्पादन के द्वारा चाहे सेवा के द्वारा, सभी के आय का योग GDP कहना। अब 2 मिनट में GNP समझ जाइए। GNP इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको वजन से समझने के लिए आप फार्मूला में समझिए, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बातें साइंटिफिक होती हैं और फार्मूला में बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे GNP की फार्मूला होती है GNP = GDP + X - Y। अर्थात किसी कंट्री के GDP में अगर X को जोड़ दिया जाए और Y को घटा दिया जाए तो GNP की प्राप्ति होगी। तो GDP क्या है ये तो आप समझ गए, अब ये X और Y को समझना है। तो सपोर्ट कीजिए, अभी हमने कहा कि किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा, यहाँ लोगों शब्द का प्रयोग किया है, इसका भी महत्व है। अब क्यों लोगों शब्द का प्रयोग किया वो देखिए। तो किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों द्वारा, तो मान लिया जाए हमारे देश की सीमा के अंदर 100 व्यक्ति रह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग रह के कमाते हैं वो सभी उस देश के नागरिक नहीं होते। इनको 2 भागों में बांटा जाता है,
एक होते हैं सिटीजन नागरिक और एक होते हैं नॉन सिटीजन गैर नागरिक। अब जैसे 100 आदमी में से, जैसे हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अमेरिका के डॉक्टर हैं, अमेरिका का बैंक है, ये सब काम कर रहा है, तो हमारे देश की सीमा के अंदर रह तो रहा है, लेकिन यह विदेशी नागरिक है, गैर नागरिक है। और यह जो जिसका कमाई को आप जीडीपी में जोड़ लिए हैं, यह रहेगा नहीं आपके देश में, चाहे वो अपने देश में वो शिफ्ट कर देगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस 80 व्यक्ति, 100 व्यक्ति में से 80 व्यक्ति हमारे नागरिक हैं और 20 व्यक्ति जो है ये गैर नागरिक हैं। तो ये जो हमने जीडीपी में, ये जो हमने जीडीपी में 50,000 रुपया हमने जो अभी कैलकुलेट किया है, तो मान लिया जाए कि इसमें से 40,000 रुपया जो है यह हमारे देश के नागरिक ने कमाया है और 10,000 रुपया जो है यह गैर नागरिक ने कमाया है। तो आपने जीडीपी में तो जोड़ लिया, अच्छी बात है, और जीडीपी में जोड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ठीक है नागरिक दूसरे देश के हैं लेकिन संसाधन तो हमारे ही देश का यूज किए हैं, इसीलिए जीडीपी को संसाधनों की आय भी कहा जाता है, चाहे वो नागरिक यूज करे चाहे गैर नागरिक, केवल देश के संसाधन का यूज होना चाहिए। लेकिन जब आगे की बात देखेंगे तो आपको जीडीपी में तो आपने जोड़ दिया, लेकिन ये आपके देश में रहेगा नहीं, बल्कि ये शिफ्ट कर देंगे अपने कंट्री में जहाँ के ये हैं। तो जो विदेशियों द्वारा हमारे देश की सीमा में रहकर जो आय प्राप्त किया गया, जिसको जीडीपी में हमने जोड़ा, एक्चुअली ये शिफ्ट हो जाएगा उनके अपने कंट्री में, तो ये वाई होता है। और गौर कीजिए कि जैसे 2023 और 24 को हमने कैलकुलेट किया, तो 2023-24 में दूसरे देश के 20 नागरिक हमारे देश में रह करके 10,000 कमा करके अपने देश में शिफ्ट कर दिए, तो इसी वित्तीय वर्ष में भारत का भी तो कुछ नागरिक दूसरे देश में रहा होगा, तो मान लिया जाए कि भारत के 50 नागरिक दूसरे देश में रहकर और इस वित्तीय वर्ष में कमाकर भेज दिए 20,000 रुपया। तो इसको तो हमने जीडीपी में ऐड नहीं किया, जो हमारे देश का नागरिक दूसरे देश में रहते हैं और कमा के भेजा है, क्योंकि जीडीपी में नियम होता है कि नागरिक कमाए चाहे गैर नागरिक कमाए, देश की सीमा के अंदर होना चाहिए। और जीएनपी में होता है कि केवल नागरिक की कमाए, चाहे वो देश के अंदर रहकर कमाए चाहे देश के बाहर रहकर। तो देश के बाहर रहकर इस वित्तीय वर्ष में 50 नागरिकों ने जो कमा करके अपने देश में 20,000 भेजा, यह हो गया एक्स। तो अब देखिए कि जीडीपी टोटल हमारा कितना था, 50,000, और इसमें एक्स कितना है, 20,000, ठीक है, और वाई कितना है, 10,000। अर्थात जीडीपी में उस आय को जोड़ देने पर जो हमारे नागरिक द्वारा दूसरे देश से कमा कर भेजा जाता है, उस आय को घटा देने पर जो हमारे देश की सीमा में गैर नागरिक रहकर कमाकर अपने देश में शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे सिटीजन जो दूसरे देश में कमा के अपने देश में भेजे, वो एक्स है, उसको ऐड कर देंगे जीडीपी में, और वह आय जो गैर नागरिक कमा के अपने देश में शिफ्ट कर दिए, उसको डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 50,000 जीडीपी है, जिसमें 20,000 हमारा एक्स है, हमारे देश के नागरिक ने कमा के भेजा, और 10,000 वाई है, ये शिफ्ट हो गया। तो अब ये हो गया आपको कितना, 60,000। तो 60,000 हो गया आपका जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में आप अंतर देखें कि जीडीपी में नागरिकों के अलावे गैर नागरिकों के भी कमाई शामिल होते हैं। ये जो आपका 50,000 जीडीपी है, इसमें नागरिक का कमाई 40,000, गैर नागरिक का कमाई 10,000। तो जीडीपी में नागरिकों के अलावे गैर नागरिकों के भी कमाई शामिल होते हैं, लेकिन जीएनपी में केवल नागरिकों के ही कमाई शामिल होते हैं, चाहे वह कमाई नागरिक द्वारा देश की सीमा के अंदर किया गया हो या देश की सीमा के बाहर किया गया हो। जैसे हमारा जीएनपी 60,000 है, इसमें से 40,000 जो है वैसे नागरिकों ने कमाया जो देश की सीमा के अंदर रहकर कमाते हैं, और 20,000 वैसे नागरिकों ने कमाया जो देश की सीमा के बाहर रहकर कमाते हैं, लेकिन जीएनपी ऑलवेज नागरिकों की ही कमाई है। अब इसी से नेशनल इनकम भी निकल जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम एनएनपी है। तो आप इसके बारे में
किसी अगले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्ट चेंज करने के लिए बताएंगे, और अगले एपिसोड में आपके सामने मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बढ़िया ढंग से समझाने के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।